What's up everybody, this is RJ and you are watching RJ Freaks. तो क्योंकि कोरोना चल रहा है तो उस वजह से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. कोरोना अब चल नहीं रहा है तो दौड़ रहा है, तो मैंने सोचा कि घर पे ही ब्लॉग कर लें. आप लोग भी बाहर मत निकलना, स्टे होम स्टे सेफ. तो आज मैं ब्लॉग कर रहा हूँ मेरे गार्डन को. पाथवे बना रखा है जहाँ से हम गार्डन में घुसते हैं, और उसके बाद आता है पहला एक मैंगो ट्री सामने की तरफ, और एक राइट में आता है मैंगो ट्री जिनमें आम उगते हैं. और मैं आपको मैंगोज के बारे में एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि ये मैंगो 4000 ईयर्स पुराना फ्रूट है. कैन यू इमेजिन 4000 ईयर्स ऑफ. बाजू में आता है चीकू का पेड़. चीकू कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन एंड कॉपर विच मेक्स योर बोन स्ट्रॉन्गर. तो यार सोच क्या रहे हो, चीकू खाना शुरू कर दो. चीकू के पेड़ से थोड़ा आगे आके पड़ता है एक लंबा सा कोकोनट ट्री जिसमें रोज मतलब सीजनली कहीं ना कहीं बहुत सारे कोकोनट उगते हैं. सिर्फ एक साइड पे, इसके पीछे की साइड और है, इस साइड पे और है. यहाँ से अगर हम जूम करें तो बहुत सारे कोकोनट दिखेंगे. द फैक्ट ऑफ कोकोनट इज दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्टोन फ्रूट बिकॉज ऑफ इट्स हार्डनेस. यहाँ पे एक हिबिस्कस का प्लांट जिसपे हिबिस्कस के फूल लगते हैं कभी कभी. एंड द फैक्ट अबाउट हिबिस्कस इज दैट यू नो यू कैन यूज इट फॉर पॉलिशिंग योर शूज. यहाँ इस पूरी जमीन पे लगते हैं हर्ब्स, पुदीना वगैरह. और भी बहुत सी चीज़ें जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता ये क्या है कैसे है करके बस, लेकिन जितना मुझे पता तो मैंने आपको बता दिया. बात तो हो गई पर्टिकुलर चीज़ों की फैक्ट्स के बारे में. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द फैक्ट अबाउट दिस होल गार्डन इज दैट ये सब क्रेडिट मेरे डैड को जाता है, क्योंकि ये उन्हीं ने रोज़ कुछ ना कुछ प्लांट करके यहाँ पे बनाया है ये पूरा गार्डन. नहीं तो ये तो एक बंजर ज़मीन थी, या तो ये सॉइल भी नहीं थी रेड सॉइल जहाँ पे ये सब उग पाता. यहाँ पे सिर्फ ख़राब सी मिट्टी थी, तो यही सब उन्होंने डाला है और उन्होंने बनाया है. थैंक्स डैड फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स ग्रीन वर्ल्ड. वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे होम स्टे सेफ.